मानधन योजना की रकम खाते में ट्रांसफर कर दी। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम समेत कई नेता भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबके खाते में अब हर महीने बगैर परेशानी के पैसा आता रहेगा, ये मेरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर मैं गारंटी देता हूँ, जब माताएं बहनें सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है। डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता माताओं बहनों का कल्याण है। हर महतारी को कहूंगा, आप सबके खातों में अब हर महीने बिना किसी परेशानी के ये पैसा आता रहेगा और ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर, और इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि नमो ड्रोन योजना के तहत महिलाओं को सरकार ड्रोन देगी और ट्रेनिंग भी देगी। इसके तहत महिलाएं खेती की देखभाल करने के साथ ही आय भी बढ़ा सकेंगी। नमो ड्रोन दीदी क्या कमाल कर रही है, भविष्य में आपको भी योजना से जोड़ेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना से भी महिलाओं के सशक्तिकरण के नए रास्ते खुले। माताओं बहनों, जब माताएं बहने सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। इसलिए डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारी माताओं बहनों का कल्याण है। महतारी वंदन योजना के लिए मुस्लिम महिलाओं ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि योजना के पैसे से बच्चों का भविष्य संवारेंगी, घर की जरूरतों को पूरा करेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग के लिए सोचा, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस योजना क्या करेंगे ये पैसे का? इस पैसे का मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगी, क्योंकि इसमें सब 1000 रुपए अगर महीना मिल रहा है, जो घर में बैठी हुई है महिला, उनको तो लाभ मिलना ही मिलना है। और मैं सबसे पहले चीज, अभी जो महिला समूह का जो ग्रुप बन रहा है उसमें भी सबको लाभ मिल रहा है, जो 10,000, 20,000, 50,000 लेके अपने घर में भी यूज़ कर रही हैं, जो छोटी सी दुकान है उसको भी बढ़ा रही होगी। बच्चे की पढ़ाई लिखाई, घर की भाई कुछ भी, और घटा बढ़ा राशन पानी वो सब पूर्ति करेंगे। काहे कि गरीब तो हैं हम लोग भी, नौकरी चाकरी वाले तो नहीं है। नहीं, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की अहम योजना है। इस योजना में हर महीने विवाहित महिलाओं को खाते में 1000 रुपए सरकार देगी। सालाना 12,000 रुपए इस योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे। योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाना है, जिससे वो घर के फैसले लेने के मामले में अहम भूमिका निभा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जगदलपुर में डिप्टी सीएम ने बीजेपी नेताओं को नक्सलियों के द्वारा टारगेट किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी नेताओं को ही नक्सली टारगेट कर रहे हैं। ये सवाल सब पूछ रहे हैं, उनके बीच दलों का ये अंतर आखिर क्यों है? मसला बड़ा है, राजनीतिक पार्टियों के बीच अंतर कैसा, ये खतरनाक है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों से चर्चा के लिए सरकार हर तरह से तैयार है, भटके हुए जवानों के लिए सरकार के द्वार भी खुले हुए। भाजपा के, आपने कहा भाजपा के नेताओं की हत्या हो रही, मैं मान रहा हूं, मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? मसला बड़ा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ये राजनीतिक पार्टियों के बीच डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या ये खतरनाक नहीं है? समझने की बात। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।